हिंदी 12th क्लास हिंदी मीडियम वही समाकलन चल रहा है अपने, और निश्चित समाकलन चल रहा था। निश्चित समाकलन में हम 10.3 क्वेश्चन एक्सरसाइज तक पहुंच गए थे, और एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन मैंने आपको कई सारे बता दिए। एक एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 22 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, आई इज इक्वल टू लिमिट ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गुणधर्म नंबर 4, गुणधर्म नंबर 4 से इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो एफ ए टू बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। गुणधर्म नंबर 4 लगा दें, आई इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो गया, एफ एक्स है तो यहाँ भी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, जहाँ भी एक्स है उसको ए प्लस बी माइनस एक्स कर दीजिए, और प्लस एफ ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल्स टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये माइ प्लस बी कैंसिल, प्लस एफ एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2, एडिंग समीकरण 1 व 2 को जब भी गुणधर्म नंबर 4 लगेगा तो आपको जोड़ने पड़ेंगे अधिकतर सवालों में। जोड़ने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में आई जरूर रखना, जिससे जोड़ के आई प्लस आई टू आई हो जाएगा। अगर आई नहीं रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या जोड़ोगे, इसलिए जब भी आप गुणधर्म नंबर 4 लगेगा जोड़ने के लिए लेफ्ट हैंड साइड आई लिखोगे। जोड़ने पर आई प्लस आई टू आई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ये आई प्लस आई टू आई, और इधर लिमिट सेम है ए टू बी, दोनों की लिमिट सेम है तो न्यूमरेट इसको और इसको जोड़िए, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, प्लस एफ इक्वेशन सेकेंड, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो आई इज इक्वल टू 1/2 ए टू बी, एलसीएम सेम आ रहा है तो अंशों को जोड़ देंगे, क्या आ गया एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी, लघुत्तम है ही, दोनों सेम है तो आई इज इक्वल टू 1/2 ए टू बी 1 डी एक्स, कैंसिल हो गया 1, और 1 का समाकलन क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो क्या आ जाएगा 1/2 अपर लिमिट बी माइनस लोअर लिमिट ए, आंसर इज बी माइनस ए 2, ये इसका उत्तर है। निश्चित समाकलन है इसलिए लिमिट दे रखी है, और लिमिट है तो निश्चित समाकलन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 21 भी करा देता हूँ। ये क्लियर है सबके, क्वेश्चन नंबर 21 देखो।